नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और मैं आज ऑप इंडिया में ये पूरा सप्ताह मैं चाह रहा हूँ कि कृषक आंदोलन जो एक चल रहा है उसको लेके मैं बिहार के किसानों की स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पूरे सप्ताह में आपको अलग अलग लोगों से, उनके फार्म हाउसेज पे, इन सब चीज़ों पे भी ले जाऊँगा और साथ ही मैं उन लोगों से भी मिलवाऊँगा जो छोटे छोटे किसान हैं जिनकी जोत कम है, उनकी समस्याएँ क्या हैं और बावजूद उन समस्याओं के बिहार का किसान, बिहार में ही अभी खरीफ का सीज़न शुरू हो रहा है, कहीं धान की कटनी बाकी है तो वो हो रही है और कहीं रोपाई चालू हो गई, तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए और तरह तरह की योजनाएं, कृषि कल्याण योजना और उसके बाद हर तरह की योजना हर सरकार लेकर आती है, लेकिन क्या वो वस्तुतः किसी किसान के या उसके परिवार के जीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन ला पाती है या फिर तंत्र बदल जाता है, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, लोग जो है, जैसे अभी सर्वे हो रहा था 2 साल पहले तो उसमें पता चला मुझे कि बेगूसराय से अरबों की वसूली हुई होगी, एक एक बीघा पे 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा था। उसी तरह मेरा ननिहाल जिस इलाके में, वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, फसल बीमा योजना की बातें होती है लेकिन क्या किसी किसान को या हर किसान को उतना बीमा मिल पाता है, उतना कंपनसेशन मिल पाता है जितना मिलना चाहिए? तो शंभू शरण शर्मा जी हैं, एक किसान हैं और काफ़ी समय से कृषि से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे तमाम जितने मुद्दे मैंने आपको बताया उन सबको लेके, और मैं चाहूँगा कि इसके विलग भी इनके पास और भी कुछ जो जानकारी हो अनुभव के नाम पे साझा करें। शंभू शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहली पहला प्रश्न तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि बिहार में जो कृषि की व्यवस्था है, आप हम लोग अभी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि अलग अलग तरह के किसान हैं, चाहे जोत का स्ट्रक्चर ले लिया जाए या फिर मिट्टी, हम मैदानी इलाके में हैं, टाल में हैं, करारी में हैं, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हैं, तो सबसे पहले कि बिहार में किस तरह से खेती होती है, किस तरह के किसान हैं, वहाँ से हम लोग बात शुरू करते हैं। हमारे यहाँ करेह नदी का मैदानी इलाका है जी, और हमारे यहाँ फिर बेगूसराय जिला के उत्तर में गंगा नदी का मैदानी इलाका है। गंगा नदी के मैदानी इलाका में बलुआही मिट्टी है लेकिन उपजाऊ मिट्टी है जी, दोमट मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, और करेह नदी के इलाके में जो हमारा मैदानी इलाका है, कावट टाल या कावट टाल के इर्द गिर्द, तो कैलकेरियस मिट्टी है और उपजाऊ मिट्टी है जी, लेकिन जोत बहुत ही छोटा है और छोटे जोत में भिन्न भिन्न तरह का फसल उपजाना हमारी भौगोलिक मजबूरी है। इन मजबूरियों में हम ईख पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, चूँकि हम छोटे जोतदार हैं और सरकार के स्तर से कहीं भी कोऑपरेटिव सिस्टम की का गोडाउन नहीं है, तो हम छोटे व्यापारियों के हाथ में अपना गल्ला बेच देना हमारी मजबूरी होती है और वो मनमाने रेट पर लेते हैं। सरकार MSP देती है लेकिन उसका लाभ हमको नहीं मिलता है। वो जब गल्ला सरकार के गोडाउन में जाता है तो वहाँ व्यापारी और ऑफिसर दोनों के बीच का एडजस्टमेंट होता है, ये मूलभूत हमारी मजबूरी है। लेकिन हम आंदोलन में नहीं गए हैं, हमको इंश्योरेंस का भी लाभ उसको मिलता है जो हमारे यहाँ बैंक से लोन लेते हैं। कॉमन किसान के यहाँ न इंश्योरेंस करने वाले जाते हैं न किसान इंटरेस्टेड होकर के इंश्योरेंस करवाते हैं, ये मूल परेशानी यहाँ है। हम अपना ऊख देते हैं हसनपुर चीनी मिल को, उसका जो रेट है उस रेट पर हम तौल करवाते हैं, देते हैं, उसकी भी अपनी दुश्वारियाँ हैं अलग अलग कि वो उचित रेट हमको नहीं देते हैं, देते भी हैं तो फिर वजन में गड़बड़ी होती है, तौल में वो कांटा पर उसका गलत हिसाब किताब होता है, फिर भी किसान एडजस्ट करके पैदा कर रहा है। हमारे यहाँ कावर के कारण वेटलैंड एरिया कुछ है तो हमारी 40% जमीन जो उपजाऊ है, जो कावर में नोटिफाइड नहीं है, डूब जाती है, और लगभग 5 लाख हमारी आबादी है 4 प्रखंड में, 16 पंचायत में जो कावर के इर्द गिर्द जीते हैं जी, जी। अब 5 लाख में 40-50% आदमी बेरोजगार होकर दूसरे स्टेट में काम खोजने जाता है, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ की खेती उसकी डूबी हुई है और प्रीमियर फसल सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है। वेटलैंड में जैसे पैदा करेंगे कोदो, मेडिसिनल ग्रेन है, मरुआ पैदा करेंगे, मेडिसिनल ग्रेन है,
और तरह का धान है जो हमारे हेल्थ के लिए उपयोगी है, लेकिन उसको पैदा करने के लिए और फिर उसकी खरीदारी के लिए प्रीमियर फसल के रूप में वोकल से लोकल को वोकल करने वाली बात जो सरकार प्रधानमंत्री कहते हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि हमको उसका लाभ मिल सके। ऐसी परिस्थिति में हम मजबूर होकर के अपनी गरीबी को झेलने के लिए तैयार हैं। तो वही वो गरीबी की ही अगर हम बात करें और जितना आपने जितनी समस्याएं गिनाई, तो कृषि को लेकर पिछले 2-3 सालों में कई तरह के आंदोलन हुए हैं। अभी दिल्ली में 32 किसान यूनियन अलग अलग नॉमिनेशन से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और दिल्ली को पूरा वो बोल रहे हैं कि हम चक्का जाम कर देंगे, जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हम सबको कर देंगे। तो बिहार का किसान या इवन यूपी का भी किसान, अभी आया था कि तमिलनाडु का किसान पहुँच गया था और वो चूहा खाने को मजबूर है, और फिर महाराष्ट्र तक यात्रा की थी, पैदल यात्रा कर रहे थे वो लोग, कम्युनिस्ट यूनियन से जुड़े हुए कुछ किसान थे। अभी दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के मूल तक किसान पहुँचे हैं। तो आप जब कह रहे हैं कि बिहार के किसानों की इतनी समस्या है, तो बिहार के किसान कभी इकट्ठा हो के चाहे विधानसभा का घेराव करना या फिर दिल्ली तक पहुंचना, ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? वहां का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। अच्छा, वहां जो मीडियोकर हैं खरीददार, वो मिलिंग कराने के लिए अपने गल्ला को ले जाते हैं, खेती कॉन्ट्रैक्ट पर वो लोग करते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा लोग रोजगार में हैं और रोजगार में रहने वाले लोग अपनी खेत कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं अगले किसान को, और वो किसान बिहार के मजदूरों से कटनी करवाते हैं, फसल तैयार करते हैं और फिर छोटे किसान से गल्ला खरीद करके और मील में जाके, राइस मिल में जाके अपना चावल बनवा करके या फिर गेहूं का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनवा करके उसका ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ के किसानों में इस तरह का चलन नहीं है, तो उनको MSP पर खरीदने और बेचने में दिक्कत होती है, उनकी असुविधा बढ़ती है, इसलिए वो आंदोलन में है, राजनीति से प्रेरित हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सरकार के भरोसे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस व्यवस्था को सुधारेगी। MSP पर खरीददार अभी भी धान जैसे तैयार हो रहा है तो कहीं भी डिपो लगा हुआ नहीं है जहाँ खरीदेंगे किसान बनिया, कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा, अफसर आएंगे खरीदेंगे और फिर उसमें जो पहले मैंने बताया था कि मॉइस्चर के नाम पर और फिर उसके क्वालिटी खराब के नाम पर तो रेट कटौती करेंगे और कुल मिला करके उनको लाभ पहुंचाने के बाद वो मामला वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। हम किसी व्यापारी को देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर वो दे नहीं पाते हैं, ये मजबूरी है। और इसको देखने के लिए कोई राजनीतिक यूनिट या संगठन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इसी मजबूरी से किसान ऑर्गेनाइज होकर के आंदोलन के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, सरकार के यहाँ विरोध दर्ज नहीं कराते हैं। सरकार जब तक कोऑपरेटिव स्तर पर गांव घर में गोडाउन और विकास का रास्ता, खरीदार का रास्ता नहीं तय करेगी, तो सरकारी ऑफिसर और कर्मचारियों के भरोसे खरीद बिक्री से लाभ किसान को नहीं मिलेगा, पहुंचेगा। दो बिल हैं जिसको ये लोग, यही आंदोलनकारी जो है वो काला बिल बता रहे हैं, और मेरी जितनी समझ है, जितना मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें जो पहले की व्यवस्थाएं थी उसको तो रखा ही है सरकार ने, उसके अलावा और विकल्प दिए हैं किसानों को बेचने के लिए। जहां पे मंडी की सुविधा है तो वहां मंडी के अलावा भी कर दिया कि तुम्हें जिसको बेचना है, जिस दाम में बेचना है, ये किसान तय कर सकता है, मतलब कागजी तौर पे ही अगर हम कहें कि जहां पे भी होती है। और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के बारे में है, जिसके बारे में कुछ समय तो इस इलाके में मुझे लगता है कि मेंथॉल की खेती जो है, वो पुदीना की खेती वेती हो रही थी, प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगे थे, तो उस तरह का छोटा मोटा दिखा भी है। अब जैसे यूपी में है पतंजलि, जैसे रामदेव बाबा वाला है, तो वो लोग एलोवेरा की खेती या मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं उसकी खेती करवाने में करवाते हैं। तो इनको लेके अगर सरकार ने ये कह दिया है कि हाँ अब तुम सिग्नेचर लेके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बना के और तब किसानों को सुनिश्चित करो कि उन्हें किसी तरह की हानि ना हो, और किसान का उसमें से रहेगा कि हाँ हम अपना जमीन अपने विल पे तुमको देंगे, लेकिन ये जो आंदोलनकारी तथाकथित किसान हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों से ज़मीन छीन ली जाएगी और MSP हटा दिया गया, इस तरह की बात। तो इन दोनों बिल को जो काला बिल कहा जा रहा है, तो आपकी क्या समझ है इसको लेकर? मेरी समझ है कि ये बिल काला बिल नहीं है, किसानों के हित में बिल है। जी जी, लेकिन किसानों जो आम किसान हैं उनके सामने यह बिल उस रूप में व्याख्यायित नहीं हुआ, लोगों को स्पष्ट समझ भी नहीं है कि इस बिल से कुछ बुरा होने वाला है या भला होने वाला है, तो फिर किस रूप में भला होगा। किसान जानते हैं इतना ही
कि हमने जो पैदा किया, सरकार जो कहती है कि उचित रेट पर खरीदार मिल जाए, उसको खरीदार मिले, इसी उम्मीद में है। अब है कि यहाँ के किसानों को लगता है कि सरकार अभी बिल लाई है, अभी अब खरीदने की व्यवस्था ठीक होगी, पुरानी व्यवस्था को बदलने में टाइम लगेगा, इसके नाम पर सरकार को यह छूट मिल रही है। लोगों में आक्रोश बन करके भी लोग शांत हैं कि चलो इससे सुधार कुछ होगा। बिहार में अगर मैं स्पेसिफिक होके बोलूं कि बिहार में किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, थोड़ा उससे बात कर लीजिए, और क्या उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसी क्या योजनाएं हैं जिसके बारे में आप उसका क्रिटिसिज्म करना चाहें तो क्रिटिसिज्म करें, या उसका अगर फ़ायदा पहुंचाए किसी किसान को तो उस पर बात। एक योजना दिखाई पड़ रही है कि खेत तक बिजली पहुंचाने की बात सरकार ने तय किया और बिजली पहुंच भी रहा है, उससे फ़ायदा भी हो रहा है लोगों को, लेकिन यह व्यापक रूप से होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। अच्छा। जो किसान जी होश हैं, होशियार हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अपने खेत तक बोरिंग करवाए हैं, बिजली ले गए हैं और उनको विभाग ने बिजली दिया भी है, जो एग्रीकल्चर बिल है वही बिल उनको लगता है। बाकी इसके अलावे और कोई योजना ऐसी दिखाई नहीं पड़ती है कि उसका लाभ मिले। अब जैसे प्लांटेशन है, तो प्लांटेशन के लिए स्कीम है, लेकिन लूटो स्कीम है, उस स्कीम में ढेर सारे लोग लूट प्रसंग करने वाले हैं। तो किसान को देते भी हैं पौधा लगाने के लिए, लेकिन उसमें फिर अपना लाभ सीधा करते हैं। अच्छा। पदाधिकारियों के बीच में भ्रष्टाचार की कमजोरी नहीं है, वो भ्रष्टाचार में मस्त हैं। ग्रामीण स्तर पे जैसे पैक्स है, हाँ, फिर खाद आवंटन का है कि खाद जो है बांटा जाएगा सब्सिडाइज रेट पे, अभी तक नीम कोटेड यूरिया का भी चलन चल गया। उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट मुझे याद है, शायद 2-3 साल पहले मकई की फसल जो है पूरी बर्बाद हो गई, तो भोरा मकई जो ओढ़ा हो रहा था उसमें दाना जो है 4-5 ऐसा है। फिर मैंने इस पर खोज किया तो पता चला कि ब्लॉक के लेवल पे ही बीज देने में क्या किया था कि एक्सपायर्ड बीज जो है पैकेट बदल के डाल दिया गया था। तो किसानों को बीज मिलने में कितनी सुविधा होती है, क्या वो अपने घर पे प्रिपेयर कर पाते हैं बीज, या वो सब सिस्टम जो है आपकी पीढ़ी के मतलब आधे आते आते ही शायद हट गया है? आज की पीढ़ी में किसान बीज तैयार नहीं कर पाते हैं, फार्म सीड ही खरीदते हैं। सरकार के द्वारा जो ब्लॉक से दिया जाता है उस पर भरोसा लोगों को नहीं है, तो व्यापारियों के यहाँ जो भी बीज उपलब्ध होता है जिसमें भरोसा होता है लोग खरीदते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी मुसीबत है खेती में नील गाय और सुअर। हाँ, और पर्यावरणविद जो हैं वो कहते हैं अवाध रूप से ये दौड़ेगा घूमेगा, उनको यह ज्ञान नहीं है कि जंगल में निषेध से निषेध का सिद्धांत लागू है। अगर नील गाय हिरन दौड़ती है तो उसके पीछे उसको निषेध करने के लिए मांसाहारी जानवर दौड़ते हैं। जी जी। यहाँ वो फ्री है, उसका ब्रीडिंग फ्री है, बच्चा पैदा करना फ्री है। अब इससे हमारी फसल मारी जाती है, हम फसल लगाते हैं और बर्बाद हो जाता है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। नीलगाय पे तो कभी कोई नीलगाय नहीं, इसको इसको वन विभाग ठीक है हमारे यहाँ है तो उसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ करके जंगल में जाके छोड़े, उसके उस व्यापक संख्या को घटा दे, मिनिमम अगर है कहीं तो है। तो ऐसा करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है और न ऐसी कोई व्यवस्था है। किसान के प्रति दयावान सब लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं विपक्ष में हैं वो दोनों दयावान हैं, किसी स्तर से इस सवाल को नहीं उठाया जा रहा है कि साहब नील गाय और सुगर ये दोनों से किसान परेशान है, इसको पकड़िए। हम नहीं कहते उसको मार दीजिए, पकड़ के उसको जंगल में छोड़ दीजिए, जंगल में रहने की चीज़ जो उसका आवास है वहाँ दीजिए, हमारे यहाँ आवास नहीं है। और हमारे यहाँ अभी जैसे ईख लगाए हैं, अभी तत्काल मैं बता रहा हूँ क्या समस्या है, इतना इतना बड़ा मतलब 6-8 इंच का ईख का पेड़ तैयार हुआ है, वो खाने के नाम पर खींच लेती है तो जड़ से ही सब कुछ उखड़ जाता है, एक दिन में 10-10 कट्ठा खेत बर्बाद कर देती है। तब वो नील गाय तो चली गई, अब हमारा 10 कट्ठा खेत बर्बाद हो गया, ना उसमें कोई सब खर्चा भी हो गया। सोयाबीन लगाए हुए थे, सोयाबीन की भी यही स्थिति थी, चल अपनी दौड़ दौड़ करके उसको बर्बाद कर देता है पूरा। और खाती नहीं थी, धांगती थी। फिर अन्य फसल में भी यही क्षति है। तो एक नुकसान इससे हो रहा है, दूसरा नुकसान MSP पर खरीदने वाला नहीं मिलता है, गोडाउन नहीं है जहाँ दे दे गल्ला और जब जो रेट होगा उसका फायदा हमको मिलेगा, ऐसा गोडाउन नहीं है। और फिर न ही कोई ऐसी विश्वसनीय एजेंसी है जिससे हम बढ़िया बीज खरीद कर
खेती कर सके, और दूसरा है कि पुरानी खेती में जो मेडिसिनल ग्रेन है जिससे लोगों को, जैसे मरुआ है तो डायबिटीज वाले का पूरा हेल्थ ठीक करेगा, तो इस तरह से ढेर सारा चीज, जैसे कोदो का चावल है वो 10 गुना ज्यादा लाभदायक है सामान्य चावल से। तो इस तरह से हमारे मेडिसिनल ग्रेन को जो पुरानी खेती की पद्धति थी अगर उसमें भी प्रीमियर मान करके प्रोत्साहन दिया जाता है तो फिर उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। परवल की खेती है, हम पैदा करते हैं तो उस समय ऐसा समय आता है जब 5 रुपए किलो हमको बेचना पड़ता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि गोभी लोग लगा है उसको काटने का खर्चा ज्यादा नहीं है। मिल रहा है। हाँ, वो भी मजदूरी तक रिटर्न में आपको नहीं मिलेगा तो वो खेत में ही सड़ने के लिए। ये सब ड्रॉबैक है और इसके विकास के लिए, बचाव के लिए कोई उपाय नहीं है। मतलब आपका कहना है कि किसानों के लिए जो बिल बनता है, योजना बनती है, वो छोटे किसानों को भी ध्यान में रख करके हर क्षेत्र के लिए एक तरह से अलग, उनके हाँ। लिए अलग तरह, जैसे मनरेगा ही है, उसमें अगर मान लीजिए कि एक छिट्टा मिट्टी जो है कोरना है तो बलुआही मिट्टी कोरने में उसको कम टाइम लगेगा, वही केवाल मिट्टी जो है उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक इस तरह की योजनाएँ बननी चाहिए। छोटे किसानों पे मुझे ये बताइए कि क्या आज के समय में एक छोटा किसान, उदाहरण के लिए मान लेते हैं जिसकी 2 बीघा की ही जोत है या 1 बीघा ही खेत है, क्या वो अपने 2 बच्चों को पाल सकता है, उसको बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकता है और अपना पेट अपने और अपने पत्नी का और माता पिता का, मतलब 2 जनरेशन वो संभाल सकता है ऐसा किसान? अगर पशुपालन नहीं हो, गोपालन नहीं हो जी, तो वो नहीं पाल सकता है जी, क्योंकि खेती से जुड़ा हुआ ये मामला है पशुपालन, और खेत अगर वाटरशेड मैनेजमेंट यहाँ लागू नहीं है, जो मनरेगा के माध्यम से वाटरशेड मैनेजमेंट होता तो लो लैंड और अपर लैंड के बीच में मैनेजमेंट होता ढंग का, तो खेती हम उसमें कर सकते थे, तो ऐसा नहीं है। आप पशुपालन से हम घास पैदा करके जानवर पालते हैं, उससे डेयरी से जो पर डे दूध का इनकम होता है वो एक परमानेंट आधार है, बाकी खेती में प्राकृतिक विपदा, बाजार की विसंगति, नीलगाय वगैरह की क्षति, कुल मिलाकर के निगेटिव हो जाता है हमारे लिए, हमारे हित में नहीं होता है, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि अभी आपने ही कहा कि किसान जो है बेरोजगारी के कारण, और ये भी देखिए मतलब नेताओं की चालाकी देखिए कि पटना से हर एक स्टेट कैपिटल में जुड़ा हुआ है ट्रेन, जनसाधारण जो चलाता है, जिसमें मूलतः मजदूर ही जाते हैं यहाँ से और वहाँ हरियाणा में पहुँचते हैं, तो उनको जो है धान का किसान जो है, गेहूं का किसान है, सब रोपाई कटाई ये सब के टाइम में ले जाता है, तो कहीं ना कहीं कृषि के प्रति उदासीनता जो सरकारों की रही है वही एक बेरोजगारी का भी एटमॉस्फेयर और व्यवस्था पैदा कर दी है। जी जी। बेरोजगारी और व्यवस्था पैदा कर दिए हैं, इनके पदाधिकारी इतना ज़्यादा करप्ट हैं, हम उनके यहाँ से LPC लेने दौड़ते थे, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, तो उसमें भी उनको पैसा चाहिए। अब ऑनलाइन हो जाने से यह सुविधा हो गई कि LPC ऑनलाइन मिल जाता है, रसीद भी ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन व्यवस्था इनकी ब्लॉक की ठीक नहीं है, और ये सब लोग हेडक्वार्टर में बैठे रहते हैं, उसको घूम कर देखते नहीं हैं। अगर ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स ब्लॉक में जाके इंस्पेक्शन करें, देखें, किसानों से रूबरू हों, तो किसानों की समस्या को ऑन टेबल वो सुनेंगे, तो नीचे वाले कर्मचारी पर असर पड़ेगा, जो ब्लॉक लेवल के अफसर हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। वो सब लोग पुराने पैटर्न पर डिस्ट्रिक्ट में और अनुमंडल स्तर पर बैठे हुए हैं, उनको जितना लाभ मिल सके, हर स्कीम में लाभ मिले, इसकी चिंता उनको ज़्यादा है, और नेता भी मोटा मोटी इसी तरह से चिंतित हैं, किसानों के प्रति उनकी जो सचेत प्रयास चाहिए वो नहीं है। थोड़ा और मतलब बिहार के कृषि के पैटर्न के बारे में बताइए, यहाँ मूलतः कौन कौन सी चीज़ें उपजाई जाती है, आप कौन सी चीज़ उपजाते हैं, और आपने बताया कि मजबूरी वश हमें मतलब मकई उपजा रहे हैं तो उसमें हमको आलू भी रोपना पड़ता है, मूली भी कोई उगा रहा है, इस तरह की तमाम तरह की फसलें उपजाते हैं, इसके पीछे क्या कारण? कंपोजिट फसल तो लोग इसलिए लेते हैं कि उससे लाभ मिले जी। अब जैसे हम ऊख लगाए हैं तो उसमें धनिया मेथी कंपोजिट फसल के रूप में लगाते हैं, जब तक वो पौधा उसका तैयार होता है तब तक ये निकल जाता है। इस तरह से ढेर सारा कंपोजिट फसल लेने का स्कीम है, लोग करते हैं, और ये मजबूरी है
कि ऐसा नहीं करेंगे तो वो बच नहीं सकते हैं। हाँ, ये अगर माने चकबंदी हुआ होता, चकबंदी थोड़ा बता दीजिए, लोगों को पता भी नहीं चकबंदी होता क्या है, ये लोग नहीं जानते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसानों के, एक जगह खेत नहीं होता है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि अगर बाबा के स्तर पर किसी परिवार को 20 बीघा या 30 बीघा जमीन मिली थी जी, तो आज वो अगर तीसरी पीढ़ी में आके तीन भाई उसके पिताजी हुए और तीन तिया नौ भाई ये हो गया, तो 20 बीघा जमीन नौ मतलब नौ टुकड़ा में बटेगा जी, जी। और उसमें फिर लो लैंड है, अपर लैंड है, मिडल लैंड है, तो उसके हिसाब से लोग करते हैं कि चलो साहब एक अच्छा वाला किसी को दे दोगे तो कैसे जिएंगे, तो सब मिला जुला के लोग बांटते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट हो या चकबंदी हो, हमारा जितना टुकड़ा में है सब टुकड़ा एक जगह हो जाए तो एक नेचर की खेती हम कर पाएंगे। तो भिन्न भिन्न पार्ट में है इसलिए हम कर नहीं पाते हैं, भिन्न भिन्न फसल हमको करना होता है, और जब करके लाते हैं तो ना उसके लिए कोई कोऑपरेटिव की संस्था है। जैसे गोभी हम उगाए एक बीघा, अब गोभी का रेट कुछ भी हो मार्केट में, अगर खरीदार वैसा है कोऑपरेटिव टाइप का तो उसके पास गोभी दे देंगे। जैसे आज दूध पैदा करते जी, हैं जी, जी। तो दूध की क्वालिटी जो भी हो सेंटर पर जाके दे देते हैं, सुधा वाला ले लेता है जी, जी। तो उससे तो हम निश्चिंत हैं। पांच गाय पालें कि तीन गाय पालें, हमारी जो क्षमता है उसके मुताबिक हम पालते हैं, वो ले ही ले लेता है। लेकिन फिर इसी में हमको ट्रेनिंग हमारे सामान्य कम पढ़े लिखे किसानों को वर्मिंग कंपोस्ट बनाने का, जैविक खेती करने का नहीं है। अगर जैविक खेती के प्रीमियर फसल का सिलेक्शन हो करके जिला वाइज प्रखंड वाइज तय हो जाए कि इस फसल का ग्राहक मिलेगा और उसका लोकल का वोकल करने से ऊंचा दाम मिलेगा, तो फिर लोग इसे पैदा करके पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक अजीब सा और सवाल है, मतलब ये शराबबंदी को लेके है जो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि एक तो शराबबंदी नाम की ही है उसका, अब तो होम डिलीवरी भी चालू हो गई, लोग जो है ये सब मंगवा रहे हैं घर में, और उससे कृषि को लेकर विचित्र समस्या ये पैदा हो गई कि मैंने जितने किसानों से बात की कि बोतलें फोड़ के उनके खेतों में पहुंचा देते हैं, उससे जुताई में दिक्कत होता है, लोग जा नहीं पाते हैं खेत में, क्या ये समस्या मतलब आपने फेस की है? ये भयावह समस्या है, और ऐसा है कि लगता है कि राजनीतिक संरक्षण में दारू का व्यापार होता है, कहने के लिए तो उन्होंने बंद कर दिया लेकिन इसको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण है। जो ऑफिसर इंचार्ज थानेदार दोषी पाया जाता है, एक भी आज तक बिहार में दंडित नहीं हुआ, नीतीश कुमार अगर ईमानदार हैं इसके लिए तो उसको तो दंडित करना चाहिए जी, जी, जी। अगर यह कानून बनाए तो इसके लिए कोर्ट होना चाहिए, जहां दोषी आदमी गया तो उसके लिए ट्रायल तुरंत हो, समरी ट्रायल हो और उसको पनिशमेंट हो जी, जी। नहीं होता है, पैसे पर सब काम होता है, और उस ऑफिसर के माध्यम से एसपी तक पैसा जाता है, एसपी से सरकार तक जाता है। अब इसमें हमारी क्या मुसीबत बढ़ गई है कि उसके पास चूंकि नाजायज पैसा आया तो वो दारू का कंटेनर जो भी लाया उठा के पैकेट उसके खेत में रख दिया, डिस्पोज कहाँ करें? अब उसका नहीं, अब मैं बता रहा हूँ बड़ा भयावह है। अब दूसरा उसका जो विरोधी प्रतिद्वंदी है वो अगर जान गया कि इस ऊख के खेत में फलना का दारू रखा हुआ है, वो उस ऊख में आग लगा दिया। अच्छा, न किसी कोई देखा उसको आग लगाते न कुछ, अब सब दारू जल रहा है, बोतल ऊपर नीचे पटक रहा है, उसमें फूट रहा है, तो पूरे खेत में उसी सा का टुकड़ा भर जाता है, ऊख भी उसका जल गया। अच्छा, दारू रखने गया तो हम विरोध नहीं कर सकते हैं चूंकि हमारे पास हथियार नहीं है, प्रशासन उससे मिला हुआ है। तो इस तरह की मुसीबत जो है वो भयावह मुसीबत है जी, जी। और इसको रोकने के लिए या तो इस एक्ट को वापस ले लें या नहीं तो इसको ईमानदारी से लागू करें। तो गरीब किसान जो छोटा किसान है उसके यहाँ कई तरह का अन्याय हो रहा है, इसकी फसल मारी जाती है, उसके अगल बगल में बंदूक वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है गांव में, अराजक माहौल समाज का बन रहा है, हमारी संस्कृति का नुकसान हो रहा है, शाम में दारू पी करके आय व्यय करता है, कोई बोल नहीं पाते हैं, उस लड़के में पढ़ने की भूख खत्म हो गई, अपराध की भूख बढ़ गई, अपराध से उसको पैसा होता है, यही मुसीबत है। से दारू से लाभ नहीं मिला समाज को, विकृति पैदा हुई, पैदा हो गई। और इसी के परिप्रेक्ष्य में या इससे जुड़ा हुआ
वो महुआ दारू अल्कोहल बनाता है देहात में, तो मुसहर लोगों के बीच में, छोटे मजदूर के बीच में, काबर जैसे टाल में जहाँ पर नहीं जा पाती है पुलिस, वहाँ धरल्ले से महुआ चुआता है, कोई विरोध नहीं करता है। एक और अंतिम सवाल पूछूंगा, या अंतिम से अंतिम सवाल, एक खेती में नॉर्मली हम लोग फसलों की चर्चा करते हैं, अनाज वालों की। कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे मेरे गांव के बगल में एक गाँव है छपकी, उसमें सिर्फ सब्जी की ही खेती होती है। तो सब्जी का जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम बहुत ही कम दाम पे बिकने लगा था, और वापस भी लोग बहुत सारे आ गए थे गांव में, तो हर एक आदमी सब्जी बेचने लगा था, ऐसा भी हुआ था। तो इसका ये तो पेरिशेबल आइटम है कि एक से दो दिन भी वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसके लिए क्या बेगूसराय में या लोकल स्तर पर, जैसे मंझौल का आदमी मंझौल में ही बेच सके, क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था है, या फिर सब राम भरोसे हिंदू होटल मतलब ऐसे ही चल रहा है? सब्जी के मामला में मार्केट का डिमांड जब होता है, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहती है, तो बीहट जैसे हाट पर, बेगूसराय जैसे हाट पर, जहाँ कहीं से भी जो सब्जी उगाने वाले लोग हैं लेके जाते हैं, उस दिन का जो गद्दी का रेट होता है उसमें उनका बिक जाता है। और सरकार अभी चलाई है ट्रेन, तो वो व्यापारी, हाँ तो वो व्यापारी लोग इस काम को करते हैं कि सेलेक्टेड सब्जी को खरीद करके उस ट्रेन की व्यवस्था से वो बाहर ले जाते हैं, उसी के वजह से रेट भी मिल पाता है। लेकिन जब वो ट्रैफिक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, जब कभी भी जिस रूप में जाम भी, अगर लग गया, जाम लग गया, तो जैसे कल ही मैं आ रहा था भैरवार सफापुर तरफ से, तो रास्ते में लोग सब्जी बेच रहे थे, तो हम लोग जिसको घिवरा झींगा कहते हैं 15 रुपये किलो दे रहा था, जबकि हमारे गांव में 25 रुपये किलो देता है। गोभी 15 रुपये किलो दे रहा था, बेहतरीन ढंग का। तो बहुत तरह की सब्जी का रेट मिनिमम रेट में गांव में लोग बेचते हैं, सप्लाई नहीं होने के कारण। लेकिन लोगों में ललक है कि इसी में दो पैसा मिलता है, छोटी खेती में सब्जी की खेती करके, छोटा खेत जिसका है, सब्जी की खेती करके जीवन यापन कर ले सकता है, बशर्ते गांव स्तर पर खरीदार कोऑपरेटिव सिस्टम से हो, कोल्ड भान ट्रेन का दिया गया, कोल्ड भान मोबाइल कोल्ड भान हो, हमसे खरीद के उसमें डालेगा, व्यापारी लेके जाएगा ट्रेन के जरिए जहाँ ले जाना है, बेच करके अंतिम जो उत्पादक है उसको भी कोऑपरेटिव के जरिए लाभ मिले, तब उसके जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन होगा। और बेरोजगारी के आलम में बाहर जो लोग जाते हैं काम खोजने, गांव में इस काम को कर सकें। अंतिम में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी समस्याएं हैं, सरकार को आप एक किसान के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बिहार की समस्या एक को सब्जेक्ट इसमें छूट रहा है, आप उसको भी ऐड कीजिए, वो है मछली उत्पादन। हमारे लोलैंड जमीन में वाटर लॉगिंग होता है, हमको ट्रेनिंग मिले मछली पालन के लिए, तो शॉर्ट टर्म में 3 महीना 6 महीने वाली जो जमीन डूबने वाली है उसमें केज के माध्यम से मछली उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा। और मछली सप्लाई के लिए उस तरह की मंडी हो, वो की बिक्री है इसकी, इसके बावजूद उचित मंडी मिले, तो ये इसमें एक स्कोप है हमारी जीविका के लिए, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं मछली उत्पादन के लिए, और न्यू वैरायटी की मछली की खेती का जब स्कोप सामने नहीं आएगा, तो समाज का 75% नौजवान उसको कुछ जानता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है। 25% जो मछुआ परिवार से आता है लड़का, वो सिकरवा ही जानता है, पालना नहीं जानता है। अच्छा। उसका भी दुर्गुण है, वो सिकरवा ही जानता है, ट्रेडिंग जानता है, मार्केट में बेच ले सकता है, लेकिन वो पालने का ढंग नहीं जानता है। इसी जगह समस्तीपुर में ब्लॉक है, वहाँ पर लोग खेती करते हैं, 70-71 बीघा में मछली की खेती कर रहे हैं। जो लोग एकदम बेरोजगार थे वो मछली उत्पादन में बहुत अच्छा किए हैं, उनको टुनटुन सिंह करके एक फिशरी डिस्ट्रिक्ट फिशरी अफसर हैं, वो जिस समय थे प्रखंड स्तर पर, तो उस समय उन्होंने ट्रेनिंग दिया, ग्रामीण बैंक से लोन दिलवाया और लड़के लोग उसमें लगे, आज उस पूरे गांव ने, बगल अगल के गांव की स्थिति बदल गई है। और सब न्यू टेक्नोलॉजी से खेती करते हैं, गाय पालते हैं, उसका गोबर और उसमें और कुछ खाद्य सामग्री मिलाकर उस पानी में डालते हैं, उसको फेस और दोनों टाइम उसको फेस करते हैं, 4 महीने में फसल निकालते हैं, मार्केट को सप्लाई देते हैं। तो मूलतः आपका ये कहना है कि
कृषि को लेके यहाँ पे दो ही तरह की चीज होती, या तो अनाज उपजाएंगे या पशुपालन होगा, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इन सब चीजों को जो डायरेक्ट एक तरह से कैश क्रॉप बढ़ावा दिया जाए तो इसमें लोग तरक्की कर सकते हैं। जी जी जी, और कोई मतलब मूलतः एक किसान के तौर पे सरकार से आपकी क्या क्या आशाएं हैं? सरकार से असल सब्जी के क्षेत्र में कोऑपरेटिव बनाकर हमारी सब्जी खरीददारी हो, गल्ला में भी प्रीमियर फसल डिक्लेयर करे ताकि अधिकतम किसान वही फसल उगावे, जैविक रूप से उगावे, उसको ट्रेडिंग लेवल वगैरह मिले तो उसका मार्केट सप्लाई जाएगा। अब मान लीजिए काला गेहूं पैदा किया, काला चावल पैदा किया, या और जिसका भी सुपर फूड के नाम पर मार्केट में जाएगा तो उसका कुछ ऊंचा दाम मिलेगा, हमारे जीवन शैली में बदलाव होगा। जी जी जी, शंभू जी बहुत बहुत आभार आपका हमसे बात करने के लिए, और हो सकता है कि हम फिर से कभी आपसे मुलाकात होगी। हम लोग इसी क्षेत्र के, मैं आता रहता हूँ आपसे, फिर आगे भी बात करूँगा। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।